फ्रेंड माय सेल्फ इज प्रीति। आज हम लोग बनाएंगे मटर और आलू की कचौड़ी। वैसे तो हम लोग आलू की कचौड़ी बहुत बार बना चुके हैं, लेकिन आज हम मटर भी उसमें मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम लोग और क्या क्या ये चीजें यूज कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे चार बड़े आलू लिए हैं जिनको हमने बॉईल कर लिया है। एक कटोरी मटर है। वैसे तो हम मटर को भी बॉईल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम मटर को बॉईल ना करके इसको हम कटर से काटेंगे और इसका नए तरह से फ्लेवर आएगा और उसका हम टेस्ट लेंगे। और यहाँ पे लिया है आटा और इसमें क्या करते हैं 3 चम्मच बेसन मिक्स करेंगे। और इसी के साथ साथ इसमें 4-5 चम्मच सूजी। सूजी मिक्स करने से ऐसा होगा कि इसमें थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है। इसके अलावा और हम लोगों ने क्या क्या सामान लिया यूज़ किया है उसको देख लेते हैं। धनिया पाउडर, जीरा, हल्दी और छोला मसाला, 2 मिर्च, 10-12 लहसुन की कलियां, 1 टेबल स्पून अदरक और 1 कटोरी हम लोगों ने धनिया लिया है। और नमक जो है वो स्वादानुसार डालेंगे। सबसे पहले हम लोग आलू को मैश कर लेंगे और उसके बाद फिर मटर को कटर से काटेंगे। गूंद के रखने से ऐसा होगा कि आटा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और इसको हम गूंदने के बाद 10 से 15 मिनट तक इसको यहाँ पे सेट होने के लिए रख देंगे। और इससे पहले आटा गूंदने समय इसमें हम 7-8 चम्मच तेल डालेंगे जिससे इसमें थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाती है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको गूंद लेंगे। सब चीजों को अच्छे से मिक्स करके फिर उसको गूंथेंगे। दोस्तों आटा गूंथ के तैयार हो गया और ये पूरी तरह से सेट हो गया है बनाने के लिए पूरी। अब हम लोग स्टफ बनाएंगे। उसके लिए हम लोग कढ़ाई में ऑयल गरम कर रहे हैं। अब ऑयल गरम होने पर इसमें सारे चीजें धीरे धीरे करके मिक्स कर, सबसे पहले हम जीरा को डालते हैं, देखते हैं। तो ये पूरी तरह से ऑयल गरम हो गया। अब इसमें हम जीरा डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। और इसमें लहसुन डालेंगे, अच्छा गोल्डन ब्राउन होने के लिए इसमें मिर्च डाल देंगे। इसके बाद हम लोग इसमें मटर डालेंगे। मटर इसलिए पहले डालेंगे क्योंकि मटर हम लोगों ने बॉईल नहीं किया है, तो आलू से पहले डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर इसके बाद इसमें आलू मिक्स करेंगे। हमारा मटर भून के अच्छी तरह तैयार है। इसमें हम आलू मिक्स करेंगे। आलू के साथ साथ ये सारे जो मसाले हमने निकाले थे उसको भी मिक्स कर देंगे। नमक डाल देंगे।
वन स्पून नमक डाल दिया और ये धनिया पत्ता भी इसी में मिक्स कर लेंगे। इसका तैयार हो गया, हम स्टफिंग करेंगे। इसके अंदर इसके लिए हमने छोटी छोटी लोइयां बना ली हैं। अब इसके अंदर हम स्टफिंग करेंगे और कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। इस तरह से बना के उसमें फिल कर लेंगे। स्टफिंग कर लिया, अब इसको अच्छे से हम बेल लेंगे और सारे को भी अच्छे से बेल लेंगे। इतना ही बेलेंगे कि जिससे वो फटे ना। फ्लेम हम थोड़ा कम कर देंगे, फ्लेम कम करने से ऐसा होगा कि अच्छे से अंदर जो स्टफ है वो भी अच्छे से पक जाएगा। देखिए हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसको हम निकाल के इसमें रख लेंगे और इसी तरह से बाकी सब में स्टफिंग करके बना लेंगे।